दूध आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं और डब्बे वाला भी यूज कर सकते हैं उसके अंदर आपने एक कप चीनी मयेरिंग कप आपने यूज करना है अपना कोई जुगाड़ नहीं लगाना मयेरिंग कप से एक कप चीनी डाल के इसको ब्लेंडर को ऑन कर देना है और एटलीस्ट वन मिनट वन मिनट पूरा वन मिनट आप इसको ब्लेंड करना है अंटिल चीनी पूरी तरह ब्लेंड नहीं हो जाती और वो एक मिनट के अंदर हो जाएगी एक मिनट के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर आपने तीन अंडे बाउल में मैंने निकाल के रख रखे थे तीन अंडे पूरे वो इसमें डाल के और फिर ब्लेंड कर लेना है यहाँ पर आप 30 सेकंड से एक मिनट के दरमियान में आप इसको रखेंगे ब्लेंडर को ज्यादा नहीं करना ना कम करना है बस अंटिल ये ब्लेंड हो जाए अच्छे से उसके बाद जी इसमें जाएगा वन टेबल स्पून वनीला एसेंस इसको एटलीस्ट फॉर टेन सेकंड्स आपने ब्लेंड कर लेना है उसके बाद इसमें जाएगा ऑयल ऑयल थ्री बाय फोर कप जाएगा यानी अगर आपके पास एक कप है मेरे पास मेरिंग कप में एक ही कप था ठीक है थ्री बाय फोर अलग से नहीं था अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड एक कप के तीन हिस्से ले लेने है और एक छोड़ देना यानी पोना कप बनता है ऑलमोस्ट और, और वो इसमें आपने डाल के उसको ब्लेंड कर लेना है इसको जरा अच्छी तरह ब्लेंड करना है क्योंकि ये ऑयल है तो ये अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए ये तो हमारा हो गया लिक्विड बैटर रेडी हो गया अब हमारी बारी है पाउडर फॉर्म में जो हमारा बैटर है उसको रेडी करने की अच्छा यहाँ पर बाउल में सबसे पहले जाएगा मैदा मैदा आपका वन कप प्लस वन बाय टू कप ठीक है ये जाएगा अच्छा दो बातें यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है एक बात तो ये कि व्हेन आई से कि आपने लेवल करके कप को लेना है तो लेवल का मतलब है कि आपने ऊपर जो एक्स्ट्रा पहाड़ बना होगा उसको हटा देना है एक नाइफ की मदद से छुरी की मदद से या फिर आप चम्मच कुछ भी और फिर आपने उसको डालना है और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट आपके फ्लोर में आपके ऑल पर्पज फ्लोर में मैदे में किसी किस्म के लम्ब नहीं होने चाहिए अगर आप इसको छान लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी आपके कोई लम्स वगैरह का चांस नहीं होगा तो ज़्यादा मोइस्ट केक बनेगा नेक्स्ट स्टेप इज बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर आपने यूज करना है यहाँ पर टू प्लस वन बाई टू टी स्पून यानी ढाई टी स्पून इस पाउडर फॉर्म को हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे फ्लावर है बेकिंग पाउडर है वह सब मिक्स हो जाए और इसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर आपने लिक्विड बैटर डालना है पहले आधा डालना है उसको मिक्स करना है और फिर उसके बाद आधा डालना है वरना लम्स क्रिएट हो जाएंगे अच्छा अगर आप यहाँ पर एक बात नोटिस करें तो मैं मुसलसिल जो बेटर है उसको एक ही साइड पे फोल्ड कर रही हूँ दोनों साइड्स पे फोल्ड नहीं कर रही ठीक है आपने भी ऐसे ही करना है एक ही साइड पे फोल्ड करना है और अगर आपके पास एक सिलिकॉन का स्पेचुल है तो आपकी ज़िंदगी आसान है अगर आपके पास सिलिकॉन का स्पेचुला नहीं है तो आप फोक की हेल्प से या फिर हैंड मिक्सचर की हेल्प से मैनुअल हैंड मिक्सचर जिसको मैनुअल एग बीटे कहते हैं उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं उससे भी लम्पस नहीं क्रिएट होंगे अच्छा मिक्स इतना अच्छा करना है कि आपको इसकी डिजायर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाए और कोई लम्प बीच में ना हो ये यहां पे आप देख लें कि बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी है इसकी अगर ये कंसिस्टेंसी होगी तभी केक मॉइस्ट बनेगा ये हो या कोई भी केक आप बना रहे हो यहाँ पर आता है जी असल ट्विस्ट वाली कहानी मैंने बिल्कुल थोड़ी अमाउंट जो है बेटे की वो अलग कर लिया है वो क्यों अलग की है क्योंकि हमने एक मार्बल केक बनाना है और एक हमने सिंपल पाउंड केक बनाना है मार्बल केक को भी पाउंड केक ही कहते हैं बस उसके अंदर एक चॉकलेट फ्लेवर या डिजाइन के लिए होता है तो दैट्स वाई वी सेड मार्बल केक इसमें हमने डालना है दो टेबल स्पून कोकोआ पाउडर और फिर इसको हम मिक्स करके करकेहिहिदा से रख लेंगे अच्छा जो मैंने आपको बेटर की क्वांटिटी बताई है वो इन दो मोल्ड्स के लिए इनफ है अगर आपके पास एक बड़ा वाला मोल्ड है या आप कोई राउंड वाला मोल्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें पर ये सारी एक ही क्वांटिटी जाएगी मैंने इन मोल्ड्स को ऑलरेडी ग्रीस कर लिया था अब इसके ऊपर बटर पेपर लगाएंगे और उसको फिर से ग्रीस करेंगे हल्का ग्रीस करना है बहुत ज्यादा नहीं बिल्कुल वन ड्रॉप ऑयल या फिर बटर लेके उसको आप ग्रीस कर लेंगे और इतना कि आपके जो बटर पेपर है वो नीचे स्टिक हो जाए अगर आप हल्का से भी ज़्यादा कर देंगे तो आपका जो केक है वो ग्रीसी ग्रीसी ऑयली ऑयली सा हो जाएगा नीचे से भी और अंदर तक उसके ऑयल चला जाता है अच्छा एक तो हम बिल्कुल प्लेन केक बना रहे हैं ना बिल्कुल सादा सा केक तो एक बेटर तो मैं मोल्ड में डाल के बिल्कुल साइड पे कर दूंगी उसके बाद हम बनाएंगे मार्बल केक जिसकी प्रॉपर लेयरिंग होती है दो बातें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये बेकिंग टिप्स हैं जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से भी सीखी हैं और जाहिर आपको इंटरनेट पे हर जगह पे मिलेंगी एक बात तो ये कि आपने इसको डाप करना है नीचे ताकि जो भी बबल्स हैं वो खत्म हो जाए और दूसरी बात ये कि, कि कभी भी मोल्ड को ये मोल्ड हो या आपके पास कोई भी मोल्ड हो कभी भी हाफ या हाफ से थोड़ी से ज्यादा फिल नहीं करना क्योंकि केक ने फूलना होता है राइस होना होता है तो उसको उतनी जगह चाहिए होती है वरना वो मोल्ड से सारा मिक्सचर बाहर आ जाएगा और फिर आपका केक तबाह हो जाएगा अच्छा जी दूसरा केक हम मार्बल केक बना रहे हैं सबसे पहले हमने जो प्लेन मिक्सचर है उसकी लेयर एक लगाई उसके ऊपर हमने चॉकलेट वाली बैटर की लेयर लगानी है उसके ऊपर फिर हमने सिंपल प्लेन मिक्सचर की लेयर लगानी है उसके ऊपर फिर चॉकलेट और इसी तरह लेयरिंग करते जाना है अंटिल आपका वो डिजायर्ड क्वांटिटी फिल नहीं हो जाती जो लास्ट लेयर है वो चॉकलेट की रखेंगे ताकि हम इसके ऊपर टूथपिक से डिजाइन बना सके अच्छा जी ये बैटर भी तैयार है इसको भी डाप करके अब हम साइड पे रख लेंगे जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है वो इन दो मोल्ड्स के लिए इनफ है अभी आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैंने ये जो क्वांटिटी बचाई है ये मैंने खुद मर्जी से बचाई है एक अलग से बाउल में केक बनाने के लिए वो मैंने चॉकलेट केक पूरा बनाना था छोटा सा मिनी केक और उसके लिए मैंने ये बैटर बचाया है वरना अगर आप इसको यूज भी कर लेंगे तो मोल्ड में इतनी जगह है कि अभी वो यूज हो सकता है यहां तक तो कहानी बहुत आसान थी अब आ जाती है असल गेम बेकिंग की यहाँ पर दो तीन टिप्स मैं आपको बता दूँ सबसे पहली जो बेकिंग की गेम है वो ये है कि हर ओवन डिफरेंट होता है हर ओवन की जो हीटिंग टाइम होता है या हीट कितनी स्ट्रांग है उसकी वो डिफ़रेंट होती है मेरा ये ओवन कुछ ट्वेंटी प्लस ईयर्स पुराना है मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है अच्छा अब यहाँ पर केक बेक करने की एक बहुत अमेजिंग टिप है जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखी है मैं हमेशा ग्रिल ऑन नहीं करती शुरू में ठीक है आ, जब भी मैं केक बेक करने रखूं मैं पहले नीचे से ओवन की हीट ऑन कर देती हूँ एटलीस्ट आधा घंटा वो अंदर से पकता है और उसके बाद में ऊपर वाली ग्रिल ऑन करती हूँ उसका कलर ब्राउन करने के लिए और ऊपर से वो राइज हो जाए अगर आप ग्रिल ऑन कर देंगे तो आ, हमेशा केक ऊपर से काला होने लग जाता है फूल जाता है और वो अंदर से उतना ही कच्चा रहता है अभी अच्छा एक आइडियल टाइम जो मैं सब ओवंस को मद्देनजर रखते हुए जो बता रही हैं वो ये है कि वन डिग्री पे आप इसको प्री हीट करें और 20 टू 25 मिनट्स के अंदर ही बेक हो जाएगा अब आपका आगे से काम है एक्सपर्ट uh, होना और अपने ओवन के मुताबिक उसको आगे पीछे करना हर ओवन एक जैसा नहीं होता ये आपको टप कोई भी नहीं बताएगा ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कच्चे पक्के जले हुए केक बना बनाकर ये टूथपिक टेक्निक तो सबको पता होगी कि ये आपने अंदर मार के देखना है ये जब तक तो क्लीन नहीं आती ना इसका मतलब आपका बैटर जो है वो आ, कच्चा है अभी अंदर से और ये मोल से बहुत स्मूथली बाहर आ जाएगा अगर ये अच्छा पकावा होगा तो ना ये बहुत हार्ड था ना ये बहुत कच्चा कच्चा गीला गीला था और इतना स्मूथली स्लाइस भी हो रहा था आपको जरूरत ही नहीं है ये तो ऐसी चीज है जो आप बना के रखें डेली हर दो दिन बाद मेहमानों के लिए या आपका मेरे तो घर में ही बहुत चलता है ये अच्छा ये मार्बल केक जो है वो स्पेशल एडिशन है मेरे घर में बच्चों के लिए क्योंकि ये जरा अट्रैक्टिव होता है बच्चों को अच्छा लगता है चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगता है इसमें और ये बहुत बहुत मॉइस्ट बनता है और ये इसी तरह का मॉइस्ट भी रहना चाहिए और ये आपका दो तीन दिन आराम से इस तरह निकल जाएगा अगर आप इसको प्रॉपर क्लिंग में कवर करके रखेंगे किसी बॉक्स के ऊपर या एयर टाइट में रखेंगे तो आई होप यू लाइक रेसिपी डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक एंड ऑल्सो डोंट फोरगेट हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर रेसिपीज